हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पुस्तक ज्ञान। हम लोग ने अपने पिछले वीडियो में थेल्स थ्योरम को प्रूफ किया था। आज हम लोग थेल्स थ्योरम के कन्वर्स को प्रूफ करेंगे, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। तो ध्यान से हमारे वीडियो को देखते रहिएगा और हमारे साथ जुड़े रहिएगा ताकि आप लोग को पता चले कि किस प्रकार से हम लोग आसानी से इस कन्वर्स थेल्स थ्योरम के कन्वर्स को हम लोग प्रूफ करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस तरह का थ्योरम को प्रूफ करने के लिए मैं हमेशा नए नए वीडियो यूनिक तरीके से डालता रहता हूँ, जिसका नोटिफिकेशन आप तक हमेशा पहुँचता रहे, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखते हैं कि कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम में ये कहता क्या है। इफ अ लाइन if a line divides any two sides of a triangle, two sides of a triangle in the same ratio, then the line must be parallel to the third side. Parallel to the third side. तो इसके लिए हम लोग एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं ताकि हम लोग इस चीज को आसानी से इस पे समझ सके। इस फिगर पे हमारे साथ अंत तक वीडियो पे आप लोग जुड़े रहिएगा और देखते रहिएगा कि किस प्रकार हम लोग आसानी से कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम को हम लोग प्रूफ करते हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग गिवेन लिख लेते हैं कि गिवेन में क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। गिवेन में एक ट्रायंगल दिया हुआ है एबीसी। गिवेन अ ट्रायंगल एबीसी, एक ट्रायंगल एबीसी दिया हुआ है एंड ए लाइन एल है, ठीक है। एक लाइन को हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, सपोज दैट इस तरह से। इस लाइन को हमने एल मान लिया एंड ए लाइन एल इंटरसेक्टिंग ए बी एट डी। ए बी को ये डी पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो यहां पे हम लोग डी डाल देते हैं एंड ए सी एट ई। ए सी को ये इंटरसेक्ट कर रहा है ई पर। ए सी ये हुआ, यहां इंटरसेक्ट कर रहा है ई पर, सच दैट इस तरह से कि सच दैट ए डी बाई डी बी जो है ये बराबर है ए ई बाई ई सी के, ठीक है। तो हमें प्रूफ करना है, टू प्रूफ, हमें इसमें प्रूफ करना है कि ये जो डी ई है पैरेलल है किसके, बी सी के। डी ई पैरेलल टू बी सी। अब हम लोग ध्यान से देखते हैं कि डी ई किस प्रकार से पैरेलल होगा बी सी के। मान लेते हैं कि जो डी ई है ये पैरेलल नहीं है बी सी के। अब इस पे हम लोग लिखते हैं आगे, आगे ध्यान से देखते रहिएगा प्रूफ में हम लोग लिखते हैं इफ पॉसिबल लेट डी ई नॉट पैरेलल टू बी सी। हम लोग एक काम करते हैं कि हम लोग डी को नहीं मानते हैं पैरेलल बी सी, इसलिए हमने यहां पे ड्रॉ किया हुआ है डी नॉट पैरेलल टू बी सी। डी पैरेलल नहीं है बी सी के। देन देयर मस्ट बी अनदर
line through D. There must be another line through D. तो इसका मतलब इस D से कोई दूसरा लाइन होगा जो कि पैरेलल होगा BC से, ठीक है? Then there must be another line through D which is parallel to BC. चलिए हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग एक दूसरा यहां से इस पॉइंट D से एक दूसरा लाइन मान लेते हैं DF जो कि पैरेलल है इस लाइन BC से. यहां हम लोग लिख देते हैं लेट DF पैरेलल टू BC. हमने एक DF को मान लिया पैरेलल टू BC. चलिए प्रूफ को इसको हम लोग एक बार फिर से समझ लेते हैं. अगर संभव हो तो हम लोग DE को मान लेते हैं कि पैरेलल नहीं है BC के, इसलिए हमने इस DE लाइन को थोड़ा सा टेढ़ा खींचा हुआ. इफ पॉसिबल लेट DE नॉट पैरेलल टू BC. मान लेते हैं कि ये जो DE है पैरेलल नहीं है BC के, तब इसका मतलब कोई दूसरा लाइन होगा जो BC के पैरेलल होगा. तो मान लेते हैं कि यहां DF हमने खींच दिया, DF ये पैरेलल है BC के. जब DF पैरेलल है BC के तो थेल्स थ्योरम से, देन बाय थेल्स थ्योरम से अब हमारे पास क्या हुआ, एक ट्रायंगल हुआ ABC जिसमें DF क्या है पैरेलल है BC के. तो थेल्स थ्योरम से क्या हो जाएगा, AD बाय DB इज इक्वल टू AF बाय FC. इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं. ये थेल्स थ्योरम से है, लेकिन हमारे गिवन में क्या दिया हुआ है, AD बाय DB इज इक्वल टू AE बाय EC. बट AD बाय DB इज इक्वल टू AE बाय EC. ये गिवन में दिया हुआ है, ठीक है? इसको इक्वेशन नंबर हम लोग 2 मान लेते हैं. अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, अब इक्वेशन 1 और 2 से हमें क्या प्राप्त होता है वो देखते हैं हम लोग. फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 से हमें क्या प्राप्त होता है, अब चूंकि ए डी बाई डी वी इज इक्वल टू ए एफ बाई एफ सी एंड ए डी बाई डी वी इज इक्वल टू ए बाई ई सी, हैंस ए एफ बाई एफ सी इज इक्वल टू ए बाई ई सी, हैंस ए एफ बाई एफ सी इज इक्वल टू ए बाई ई सी. चूंकि मैंने अभी तुरंत आपको समझाया कि अगर ए डी बाई डी वी बराबर है ए एफ बाई एफ सी के और फिर ए डी बाई डी वी बराबर है ए बाई ई सी के, इसलिए ये और ये आपस में क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं. आगे हम लोग बनाते हैं. अब एक काम करते हैं हम लोग, ए एफ बाई एफ सी, ए एफ बाई एफ सी प्लस अगर इधर 1 जोड़ देते हैं और बराबर करके ए बाई ई सी, इसमें भी 1 जोड़ते हैं तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि दोनों में हमने 1 को ऐड किया हुआ है, तो मेरा जो भी वैल्यू आएगा दोनों में सेम आएगा. क्योंकि जब ए एफ बाई एफ सी बराबर है ए बाई ई सी के, तो दोनों तरफ अगर हम लोग 1 1 जोड़ते हैं तब भी वैल्यू क्या होगा, मेरा सेम आएगा. अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखते चलिएगा आप लोग. अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहां पे आ जाएगा एफ सी, ठीक है? एलसीएम इसका निकालेंगे, यहां ए एफ हो जाएगा प्लस यहां पे हो जाएगा एफ सी हो जाएगा, यहां ए एफ हो जाएगा प्लस यहां एफ सी हो जाएगा. ये होगा बराबर, अब देखिए यहां ए बाई ई सी है, ए बाई ई सी है, जैसा कि हमने अभी तुरंत देखा कि जब इसमें हम लोग प्लस 1 करेंगे और इस साइड में भी प्लस 1 करेंगे तो दोनों का वैल्यू बराबर आएगा, क्योंकि ए एफ बाई एफ सी बराबर है ए बाई ई सी के. तो ए एफ बाई एफ सी में अगर हम लोग 1 जोड़ देते हैं और ए बाई ई सी में भी 1 जोड़ देते हैं तो कोई अंतर नहीं होगा. अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ए एफ प्लस एफ सी का जब यहां पे करेंगे तो इसका एलसीएम ले लेंगे, एफ सी एलसीएम हो जाएगा, ए एफ ये वाला ए एफ यहां पे आ जाएगा और ये वाला एफ सी मल्टीप्लाई होकर यहां पे आ गया. इसको सेम उसी प्रोसेस से हम लोग सॉल्व करेंगे तो ई सी नीचे आ जाएगा, ए ई यहां पे हो जाएगा और प्लस यहां 1 है तो ये वाला नीचे वाला ई सी यहां पे आ जाएगा. तो ए एफ प्लस एफ सी बाई एफ सी इज इक्वल टू ए ई प्लस ईसी बाई ई सी आ गया, ठीक है? अब हम लोग थोड़ा सा यहां ऊपर फिगर में देख लेते हैं, ए एफ प्लस एफ सी क्या आता है, ए एफ प्लस
प्लस एफ सी, इट मीन्स ए एफ प्लस एफ सी बराबर क्या है, ए सी है। तो यहां पे हम लोग ए एफ प्लस एफ सी के जगह पर हम लोग ए सी लिख सकते हैं, ए सी बाई नीचे वाला ये जो एफ सी है इसको हमने एफ सी लिख दिया, ये बराबर हो जाएगा। अगला है ए ई प्लस ई सी, इसको भी हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। अब देखिए ए सॉरी यहां पे थोड़ा सा इसको और नीचे कर लेते हैं, ए ई प्लस ई सी, इसका भी मतलब हो जाएगा ए सी ही हो जाएगा। तो यहां भी हम लोग लिख देते हैं ए सी बराबर हो जाएगा ए सी बाई ई सी के, ए सी बाय ई सी के। अब देखिए एफ ए सी बाई एफ सी इज इक्वल टू ए सी बाई ई सी, ए सी बाई एफ सी इज इक्वल टू ए सी बाई ई सी। यहां पे हम लोग इसको देख लेते हैं आगे, तो ए सी बाई एफ सी इज इक्वल टू ए सी बाई ई सी, इसलिए ऊपर के ए सी से ए सी जब कट जाएगा तो वन बाई एफ सी इज इक्वल टू वन बाई ई सी, इट मीन्स दैट कि जो एफ सी है ये बराबर है किसके, ई सी के। थोड़ा सा आप एक बार फिगर को हम लोग देख लेते हैं, इसका मतलब क्वेश्चन यहां तो मेरा आ गया कि एफ सी जो है ये बराबर है ई सी के, लेकिन एफ सी ये है ई सी ये है, तो ये तो कभी बराबर हो ही नहीं सकता है क्योंकि एफ ई से थोड़ा सा ऊपर है, लेकिन हमने अभी यहां किया, यहां इसको सॉल्व किया तो एफ सी बराबर ई सी आया। इसका मतलब क्या है कि ये पॉसिबल तभी हो सकता है जब ई और एफ क्वाइनसाइडेड हो, इट मीन्स एक ही सिक्के के दो पहलू, मीन्स ई एफ के ऊपर हो, तभी ये क्या हो सकता है, संभव हो सकता है। इसलिए हम लोग यहां लिखते हैं दिस इज पॉसिबल, इसको हम लोग यहां लिख देते हैं, इसको हम लोग यहां पे लिख देते हैं कि दिस इज पॉसिबल, दिस इज पॉसिबल ओनली, पॉसिबल ओनली व्हेन ई एंड एफ आर क्वाइनसाइडेड, व्हेन ई एंड एफ आर क्वाइनसाइड, ठीक है, ये तभी संभव होगा जब ई और एफ क्या होगा, क्वाइनसाइड होगा। इसलिए डी ई जो होगा ये पैरेलल हो जाएगा बी सी के। इस तरह से ये हमारा कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम भी प्रूफ हो जाता है। तो फ्रेंड्स हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।